अंबाला के मानव चौक के नजदीक हुई फिल्मी स्टाइल किडनैपिंग की वारदात को पुलिस ने सुलझा लिया है। आपको बता दें कि दो दिन पहले अंबाला के मानव चौक से खाटू श्याम मंदिर जा रही स्कूटी सवार 21 वर्षीय युवती और उसकी मां के आगे गाड़ी लगाकर रास्ता रोक लिया था और आरोपी ने लड़की की मां की आंख में लाल मिर्ची डालकर युवती को किडनैप कर ले गया था। इस मामले में पुलिस ने मात्र कुछ ही घंटों में आरोपी लड़की के मौसा को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। वही गिरफ्तार करने के बाद इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें युवती का कहना है कि वो अपनी मर्जी से अपने मौसा के साथ गई थी। इस दौरान कोर्ट ने लड़की की मां से मारपीट करने के मामले में दोषी करार देते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एक किडनैपिंग का मामला आया था, एक लड़की है जिसकी मदर ने हमारे पास मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी लड़की को एक व्यक्ति जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के ले गया और इस दौरान उस महिला के साथ भी मारपीट की गई थी और मिर्चें भी डाली गई थी इस पर। तो हमने इसमें कार्रवाई करते हुए गंगानगर राजस्थान से एक आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उस लड़की को बरामद करा दिया है और कल ही हमने उसके 164 के बयान करा के और लड़के को जुडिशियल कस्टडी भेज दिया गया। आरोप तो फोर्सफुली का था, लेकिन जब लड़की के 164 के बयान करवाए गए तो लड़की ने एडमिट किया कि वो खुद अपनी मर्जी से गई थी। लेकिन इस सारे एपिसोड में जो लड़के ने उसकी मदर के साथ मारपीट की है उसके खिलाफ हमने उन सेक्शंस में उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसको जुडिशियल कस्टडी भेजा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वही अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण पाली की रिपोर्ट।